dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. So hi guys, welcome or welcome back to my channel #fashionbeast. अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं आयुषी एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी दोनों इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। बट इन सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, प्यारा सा कॉमेंट करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर भी करिएगा, क्योंकि आजकल आप लोग शेयर नहीं करते हैं। सो आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मीशो से हॉल एंड मीशो से इस बार लेके आई हूँ बॉटम वेयर, क्योंकि काफी दिनों से काफी लोग कह रहे थे कि आप लोग स्वेटर्स दिखा रहे हैं, विंटर्स का दिखा रहे हैं, समर्स का दिखा दिया, बट आपने अभी तक एक भी बॉटम वेयर का हॉल नहीं किया है। तो फाइनली आज मैं आप लोग के लिए बॉटम वेयर का हॉल लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मीशो पे इतने अच्छे बॉटम वेयर भी मिलते हैं, तो मेरे सारे के सारे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोग को कहने लगे आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा जाके। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते अपने रिव्यू की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट वी आर हैविंग दिस डेनिम की स्कर्ट एंड आजकल मैं देख रही थी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स काफी लोग ये डेनिम की स्कर्ट्स पहन रहे हैं एंड विंटर से तो आप इजिली इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी एक परचेज कर लेती हूँ कि मेरी बॉडी टाइप पे कैसे लगेगी। तो कुछ इस टाइप की डेनिम स्कर्ट आई है। सो आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाएंगे, ये बटन्स आप सारे ओपन कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने थाई हाई थाई तक ओपन कर रखा था। फैब्रिक इसका काफी ज्यादा अच्छा है, काफी स्टाइलिश स्कर्ट है, इसे आप अच्छे से पेयर अप कर सकते हैं। प्राइस जो भी होंगे आपके स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। सो सेकंड वी आर हैविंग दिस ट्राउजर, जो कि आपको मिल जाएगा कुछ इस टाइप के पेस्टल पिंक कलर में एंड ये मुझे ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। एक्चुअली जिस तरह से मैंने स्टाइल किया है एकदम पिनट्रेस्ट वाली जो वाइब्स होती है बिल्कुल वैसी आ रही थी एंड मुझे बहुत ज्यादा क्यूट एंड काफी अच्छा कलर लगा। इसे आप अपने ऑफिस में भी पहन के जा सकते हैं या फिर कैसे भी आउटिंग पे जा रहे हो तब भी पहन सकते हैं। स्ट्रेचेबल है, फैब्रिक इसका अच्छा है, यहाँ पे आपको इसमें बटन मिल जाएगा, जिप की क्वालिटी भी इसकी अच्छी दे रखी है। बस एक दिक्कत है, यहाँ पे इसमें कोई भी पॉकेट नहीं दे रखी है, ना आगे ना पीछे, तो यही इसमें प्रॉब्लम है। बाकी मुझे काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, हाइट भी मुझे ठीक ठाक आई है तो काफी सही है। इसके जो भी प्राइस होंगे आपके स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। सो गाइस, नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस ट्राउजर एंड आप देख सकते हैं ये आपको कार्गो में मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा इसका फैब्रिक है, काफी ज्यादा थिक वाला फैब्रिक रखा है एंड इसमें आपको पॉकेट्स भी मिल जाएंगी। पॉकेट्स आपको ऊपर तो मिली रही है, साथ में आपको ये वाली कुछ कार्गो वाली पॉकेट्स भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपकी 5 कार्गो पॉकेट्स दे रखी है। मुझे ये ट्राउजर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है एंड आपको यहाँ पे जिप मिल जाएगी, जिप की क्वालिटी अच्छी है, बटन दे रखा है कुछ इस टाइप से। ऑफिस में भी पहन सकते हैं, नॉर्मली पहन सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो कार्गोज है वो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी है एंड इसका जो भी प्राइस होगा वो आपके स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा। सो गाइज, हॉल हमारा कंटिन्यू रहेगा बट उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक दो बैग्स के ऑप्शन लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोकेशन शेयर कर देती हूँ। सो ये दो बैग्स जो है वो है एक ये दोनों ही बैग जो मैंने मंगाए ना, ये दोनों ही जूप के बैग हैं और एक बैग है ये। तो एक्चुअली क्या है ना, पहले मैंने आपके संग शेयर किया टोट बैग शेयर कर रखे हैं, स्लिंग बैग शेयर कर रखे हैं, तो मैंने इस बार सोचा कि हैंड बैग यानी ये बैकपैक जो बैग है वो आपके संग शेयर करूं, क्योंकि मैंने भी ये रिसेंटली परचेज की है तो मैंने सोचा आप लोग के संग भी शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाले हैंड बैग की, बहुत ही क्यूट सा काफी प्यारा लग रहा है एंड जो जूक है ना वो आपके इंडियन ब्रांड है, साथ में आपकी क्रुएल्टी फ्री है, प्लस 100% पीटीए अप्रूव्ड है, मींस आपकी पीटीए अप्रूव्ड वीगन ब्रांड है ये आपकी एंड इसके जो प्रिंट्स होते हैं ना ये आप देख सकते हैं, कुछ इसके जो प्रिंट है वो आपके इंडियन प्लस कॉन्टेम्पररी का मिक्स होता है। लाइक आपके जो ट्रेडिशनल बैग्स होते हैं उसे आपका एक मॉडर्न टच दे दिया है, तो बहुत ही क्यूट एंड अच्छा बैग लगता है। बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के बैग है, इसकी जिप की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, साथ में आपको कुछ इस टाइप से ये चेन भी दे रखी है गोल्ड की एंड कुछ इस टाइप का ये बैग है। इसमें आपको पीछे भी एक चेन देखने को मिल जाएगी एंड इसकी चेन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। अंदर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें आपको कंपार्टमेंट भी मिल जाएगा एक छोटू सा, तो कुछ इस टाइप से ये बैग है एंड काफी स्पेसियस भी है, आप देख सकते हैं क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा। मुझे ये बैग बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, आने वाली वीडियोज में आपको ये बैग बहुत ज्यादा दिखने वाला है। सो दूसरा बैग जो है, दूसरा बैग है मेरे पास ये वाला बैग, ये है बैग पैक। तो अगर मैं अभी कहीं जाने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने ये परचेज कर लिया, मुझे बहुत सही लगा था क्योंकि इस टाइप का बैग मेरे पास एक भी नहीं था, तो मैं सोचा कुछ इस टाइप का बैग परचेज किया जाए। तो यहाँ पे सामने भी आपको एक जिप दे रखी है, तो अगर आप कॉलेज वॉलेज भी जाते हैं ना तो कॉलेज के लिए भी एकदम परफेक्ट बैग है ये, और ये भी आपका हैंडक्राफ्टेड डिजाइन है, काफी ज्यादा प्यारा डिजाइन है इसका, आप सामने से देख सकते हैं, बहुत ही सही लग रहा है ये वाला बैग भी मुझे देखने में। स्टेप्स इसकी काफी अच्छी है
एंड बैग भी काफी अच्छी एंड स्टडी क्वालिटी का है, प्रीमियम बैग लग रहा है मुझे ये भी। एंड इसमें भी आपको अंदर काफी ज्यादा स्पेस मिल जाएगी, लाइक अगर आपको लैपटॉप रखना है तो लैपटॉप भी इस बैग में आराम से आ जाना है। एंड इसकी जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इवन मैंने अभी इसका ये भी निकाला नहीं है, आप देख सकते हैं। जैसे मेरे पास आया मैं सोचा आप लोग के संग शेयर कर देती हूँ। तो ये दोनों ही बैग मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, कुछ इस टाइप का आपको ये बैग देखने को मिलने वाला है। एंड इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। तो जल्दी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, बहुत ही सही बैग है, जल्दी से ये डील को ग्रैब करिए। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस कॉफी ब्राउन ट्राउजर, कुछ इस टाइप में आपको ये देखने को मिल जाएगा। जो मैंने आपको पहले दिखाया था सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है मुझे, एंड फिटिंग वाइज एंड इसका जो फैब्रिक है बिल्कुल सेम वैसा ही है। काफी अच्छा मटेरियल है, काफी थिक भी है, यहाँ पे आपको दो पॉकेट्स इधर मिल जाएंगी, बाकी आपको तीन पॉकेट्स ये कार्गो वाली मिल जाएंगी। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, कंफर्टेबल भी है पहनने में, इसके प्राइस भी सेम जैसे उसके थे उसी के है। एंड इसे मैंने जो स्टाइल कर रखा है काफी ज्यादा प्रिंटेस वाली वाइब दे रहा है ये भी आउटफिट मेरा। सो नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस स्कर्ट, एंड ये स्कर्ट है ना वो आई थिंक सो ज्यादा की ड्यूप है, एंड बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गई है, एंड काफी अच्छी इसकी क्वालिटी है। अगर आप लोग को परचेज करें तो परचेज कर सकते हैं, लाइक अगर किसी का बर्थडे आ रहा है या आपको खुद का बर्थडे है तो उस पर इस टाइप की ब्लिंगी वाली स्कर्ट काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। इसकी लेंथ भी एकदम ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जिप रखी, जिप की क्वालिटी अच्छी रखी है। पीछे आपको यहाँ पे इलास्टिक देखने को मिल जाएगी, एंड ये मैंने स्मॉल साइज में परचेज करी, तो कुछ इस टाइप में आपको ये देख के मिलने वाली है। इसके प्राइस जो भी होंगे वो आपकी स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करेगा, एक प्यार सा कमेंट करेगा, एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर करेगा। और इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए है, वहां से जाके आप जल्दी जल्दी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आइटम जो ना बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। सो आज के बस इतना ही, मिलूंगी अगले हॉल में। सो बाय बाय।